हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ जो बेल्ट्रॉन 2024 के अंदर जो डेटा एंट्री का वैकेंसी आया है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर संबंधी, जिसमें एमएस एक्सेल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो एमएस एक्सेल में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे संबंधित मैं प्रैक्टिस सेट इसमें करवा रहा हूँ, जो कि प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आया हूँ। ऑलरेडी इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 दे रखा हूँ एक्सेल का, साथ में मैं एमएस वर्ड का भी एक दे रखा हूँ प्रैक्टिस सेट, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये आप जान लीजिए कि जो भी मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करा रहा हूँ मैं कंप्लीट डिस्कस करके बताऊँगा कि आखिर उसका आंसर होता कैसा है, प्रैक्टिकली डिस्कस करूँगा। तो चलते फिलहाल इस वीडियो को आप लोग ये जान लेते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है और क्यों होता है, वो मैं डिस्कस करके बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सेल में डेटा दर्ज करेगा, मीन्स दर्ज नहीं करेगा। लिखा हुआ साफ तरीके से कि अगर आप एक्सेल के अंदर कोई डेटा आप टाइप करते हैं तो क्या करेंगे, तो वो टाइप किया हुआ डेटा हट जाएगा। प्रेस एस्केप की, प्रेस एरो की, प्रेस द टैब की, या क्लिकिंग द इंटर बटन टू द फार्मूला बार, इसमें से आप खुद से गेस कर सकते हैं कि क्या होगा। ऐसे इसका राइट आंसर होगा प्रेस द एस्केप की। अब ऐसे क्यों होगा, तो चलते हैं एक्सेल सीट पे। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए कुछ मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मेरे को ये नहीं चाहिए, तो जैसे ही मैं एस्केप बटन प्रेस करूँगा, देखिए ये हट गया क्या, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा प्रेसिंग द एस्केप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G2 से M12 की सेल रेंज के लिए सेल संदर्भ है, मीन्स देखिए G2 सेल से लेकर के M2 सेल एक रेंज के संदर्भ में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, रेंज देना चाहते हैं, तो कैसे रेंज देंगे, G2.M12 या फिर G2:M12, G2:M12, G2-M12। तो राइट इसका आंसर होगा G2:M12। कैसे समझिएगा, जैसे कि अगर आप यहाँ पर कुछ नंबर लिख रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप यहाँ पर पूरा यहाँ पर रेंज लाना चाहते हैं, जैसे कि देखिए बराबर सम फार्मूला के यूज़ करके दिखलाता हूँ, आप यहाँ से यहाँ तक जोड़ना चाहते हैं तो पूरा रेंज देंगे, तो देखिए ऐसे मैं रेंज दिया, तो रेंज दिया तो आप यहाँ पर देखिए कि रेंज दिए तो यहाँ पर सेमी कॉलन कॉलन के साथ रेंज लिया है क्या, ठीक है, तो इसी को बोला जाए कि बीच में रेंज देते समय जो दो सेलों के बीच में यहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रेंज। राइट इसका आंसर होगा G2:M12। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चयनित सेल रेंज से चार्ट बनाने के लिए की शॉर्टकट क्या है, मीन्स कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे तो चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा जो सेल आप सेलेक्ट करके रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर भी जैसे कुछ नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे देखिए नेम लिखा और यहाँ एज लिखा, ठीक है, जैसे राम लिखा, श्याम लिखा और गीता, ज़्यादा मैं नहीं लूँगा टाइम, ये देखिए इस तरह से और यहाँ से ऐसे, और इसको चार्ट के अकॉर्डिंग देखना है तो आप सीधे F11 प्रेस करेंगे, तो देखिए चार्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पर देखिए आ गया, देखिए आ गया क्या, यहाँ पर देखिए राम का जो एज है तो देखिए राम को एज चार्ट के अकॉर्डिंग बताने लगा। तो मैं क्या किया, देखिए यहाँ पर शीट 1 है, इसमें डेटा था और ये चार्ट बनकर तैयार हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप सिलेक्शन करेंगे और F11 प्रेस करेंगे, चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका F11 होगा, ठीक है, F11 होगा, ये सब गलत है ऊपर वाला आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर जिसमें पंक्तियाँ, ठीक है, और कॉलम होते हैं कहा जाता है, वह कौन सा सॉफ्टवेयर जिसमें पंक्तियाँ होती है, मीन्स रो होती है और कॉलम होती है, डेटाबेस कहलाएगी, ड्राइंग कहलाएगी, स्प्रेडशीट कहलाएगी या फिर वर्ड प्रोसेसिंग, तो इसका राइट आंसर स्प्रेडशीट होगा, क्योंकि देखिए स्प्रेडशीट उसी को कहते हैं कि जिसपे कॉलम और रो मौजूद होता हो, जैसे अगर सादा पेज रहेगा तो उसको पेज कहेंगे, डॉक्यूमेंट कहेंगे, दस्तावेज कहेंगे, बट जिसमें रो इस तरह से मौजूद हो और कॉलम मौजूद हो उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, इसीलिए एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नॉन कॉन्टिजियस वर्कशीट को ग्रुप कर सकता है, कैसे से समझिएगा, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि द अल्ट प्लस इंटर की, कंट्रोल की एंड माउस के द्वारा, शिफ्ट की एंड माउस के द्वारा, द ग्रुप बटन ऑन स्टैंडर्ड बार के द्वारा, स्टैंडर्ड टूल बार के द्वारा, मीन्स कहा जा रहा है कि आप वर्कशीट को ग्रुप करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल की
एंड माउस के द्वारा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। कैसे से समझिएगा, जैसे देखिए अभी दो सीट है क्या, जैसे एक और ले लिए, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तीनों को ग्रुप करना है तो कैसे करोगे, तो आप इस पे क्लिक कर लो और कंट्रोल के साथ आप इस पे क्लिक कर लो, इस पे क्लिक कर लो, तो कंट्रोल के साथ आप माउस के सहारे किए क्या, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं, राइट आंसर हो गया कंट्रोल की एंड माउस के द्वारा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध जूम नहीं है, मीन्स जूम नहीं होता है उतना, 10 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 300 नहीं होगा, या फिर 500 नहीं होगा। तो 500 जूमिंग नहीं होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम करके देखिए, ये मैक्सिमम इसका जूमिंग 400 ही यहाँ पर है, देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ लिख रहा है कि यदि आपको एक सेल में वर्टिकल दिखाने के लिए टेक्स्ट को आवश्यकता है, मीन्स टेक्स्ट को आप वर्टिकली दिखाना चाहते हैं, मीन्स खड़ा दिखाना चाहते हैं, तो आप इसे कैसे करेंगे, तो चूज वर्टिकल ऑन टेक्स्ट अलाइनमेंट इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, चूज 90 डिग्री इन ओरिएंटेशन फॉर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, चूज डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द वर्टिकल ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, या चूज सेंटर अक्रॉस सेलेक्शन फ्रॉम हॉरिजेंटल कॉम्बो बॉक्स इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। तो इसका राइट आंसर होगा, आप बता सकते हैं क्या है, मैं खुद बताता हूँ, ऐसे जानते हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है, चूज 90 डिग्री ओरिएंटेशन, ठीक है, ऑफ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। कैसे समझिएगा, जैसे मैं देखिए यहाँ पर बताता हूँ आपको, कुछ यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जूमिंग ज़्यादा हो रखा है, आप इसको सीधे इस तरह के वर्टिकल करना चाहते हो तो आप सीधे इस पर क्लिक करके और चलेंगे आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में बोल रहा है, तो आप इस पॉइंट पर क्लिक कर लेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए फॉर्मेट सेल आ गया क्या, फॉर्मेट सेल आने के बाद आपको जाना है कहाँ पर, ठीक है, अलाइनमेंट में चलिए, कहाँ पर, अलाइनमेंट में, और डिग्री कर लीजिए 90 यहाँ, ठीक है, और ओके करिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर वर्टिकली हो गया क्या टेक्स्ट, समझे बात को, कहाँ से ओपन हुआ, तो इस पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग यहाँ पर चले आए अलाइनमेंट में जा करके होता है, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर आप यहाँ से भी जा करके कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ से भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ए क्या आप सेल में एक सेल के लिए 1 इंच लेफ्ट इंडेंट सेट कर सकते हैं, इसमें क्या होगा राइट, मीन्स अपने सेल के अंदर एक सेल के लिए 1 इंच लेफ्ट इंडेंट देना है तो कैसे करेंगे, तो एक्सेल डज नॉट हैव इंडेंट फीचर्स है क्या, राइट आंसर नहीं, यू कैन स्पेसिफाई आइडेंटिफिकेशन ओनली, यू कैन टर्न द रूल ऑन, नहीं, इंडेंटेशन कैन बी सेट फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, यही राइट आंसर इसका है, ठीक है, इंडेंटेशन कैन बी सेट फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, मीन्स फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से आप सेल के 1 इंच लेफ्ट इंडेंट दे सकते हैं, कैसे से समझिएगा बात को, इसी इस पर मैं क्लिक कर लिया, ठीक है, और फॉर्मेट सेल के लिए आप इस पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ से जाकर के आपको अलाइनमेंट देना है तो अलाइनमेंट पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा था, कि कहा जा रहा था यही कि आपको यहाँ पर ये छोड़ना है, छोड़ना क्या था, देखिए यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट छोड़ना है ना, लेफ्ट इंडेंट, तो लेफ्ट इंडेंट के लिए आप कहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर देखिए इंडेंट यहाँ पर है क्या, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के आप लेफ्ट इंडेंट करिए और यहाँ से 1 लिखिए, ठीक है, 1 लिखिए और ओके करिए, तो देखिए 1 इंच आगे ये बढ़ा, ठीक है, इतना, मैंने बात को समझ रहे नहीं, तो यहाँ से आप जाकर के यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, इसको 0 कर देंगे, ओके कर देंगे, पहले की तरह यहाँ पर देखिए हो रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे है, आप स्वचालित रूप से एक सेल में टेक्स्ट का आकार को समायोजित कर सकते हैं यदि वे चौड़े में फिट नहीं होता है तब, अब आगे इसमें ऑप्शन है, डबल क्लिक ऑन द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम हेडर, ठीक है, नेक्स्ट आगे फ्रॉम फॉर्मेट सेल कॉलम एंड ऑटो फिट सेलेक्ट, फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स मार्क श्रिंक टू फिट चेक बॉक्स, या ऑल ऑफ एबव, तो राइट आंसर इसका ए होगा, ठीक है, मीन्स कह क्या रहा है समझिएगा, ठीक है, जैसे कि होता क्या है कि अगर कोई टेक्स्ट जो है से सेल से ज़्यादा हो जा रहा है, सेल के आकार से ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वही सेल में ऑटो फिट हो जाए,
तो उसके लिए आप श्रिंक फिट करेंगे तो वो आपका सही हो जाएगा। कैसे से समझिएगा, जैसे मैं कुछ मैसेज यहाँ लिखता हूँ, जैसे लिख रहा हूँ EDUCATION एडुकेशन, मैं चाहता हूँ जो एक्स्ट्रा गया हुआ है आगे तो अपने आप समयोजित हो जाए, मीन्स अपने आप को उतना ही साइज में कन्वर्ट कर ले जितना में वो खुद एक सेल में चला जाए। तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुल गया मेरे बात को, इस पर क्लिक करके, नहीं तो आप कंट्रोल एक से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, श्रिंक टू फिट पे क्लिक करके ओके करेंगे। देखिए साइज मेंटेन खुद से कर लिया, ठीक है, खुद से मेंटेन कर लिया और एक ही सेल में समयोजित हो गया। तो इसका राइट आंसर इसीलिए मार्क श्रिंक टू फिट पे मैं यहाँ राइट निशान लगाया हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, करेंसी में एक सेल को फॉर्मेट में स्पेसिफाई कर सकते हैं, मीन्स करेंसी जब आप सेल के अंदर फॉर्मेट लेते हैं तो स्पेसिफाई क्या होता है, तो डेसिमल प्लेस लेता है या फिर यहाँ से करेंसी सिंबल लेता है या फिर ऑल एवव या फिर नॉन ऑफ एवव, मीन्स जैसे ही आप करेंसी सिंबल देते हैं तो डेसिमल प्लेस लेता है क्या, तो लेता है। करेंसी सिंबल भी तो लेगा ही लेगा क्योंकि आप करेंसी ले रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ एवव होगा। कैसे समझिएगा, डेसिमल भी लेगा और करेंसी भी लेगा, तो समझिएगा कैसे। तो जैसे मैं कुछ यहाँ पर नंबर तो लिखा हूँ, ठीक है, अब इसको मैं करेंसी में जब कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, करेंसी में जब यहाँ से कन्वर्ट करूँगा, देखिए करेंसी का सिंबल यहाँ होगा, आप इस पर क्लिक करिए, तो देखिए डेसिमल प्लेस भी लिया और करेंसी का सिंबल भी लिया क्या, इसीलिए मैं इसका राइट आंसर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, नंबर फॉर्मेट में सेल को फॉर्मेट करने में सेट कर सकते हैं, मीन्स नंबर फॉर्मेट में सेल को फॉर्मेट करने में सेट नहीं कर सकते हैं, मीन्स नंबर को जब फॉर्मेटिंग करते हैं तो इसमें लागू नहीं कर सकते हैं, तो डेसिमल प्लेस को, थाउजेंड सेपरेट को, नेगेटिव नंबर को या फिर करेंसी सिंबल को, तो करेंसी सिंबल राइट आंसर होगा। ठीक है, मीन्स कहा जा रहा है क्या समझिएगा, नंबर फॉर्मेट में, ठीक है, सेल फॉर्मेट करने में सेट नहीं होता है, ठीक है, नंबर फॉर्मेट को जब आप सेल को फॉर्मेटिंग करते हैं तो नहीं होता है करेंसी सिंबल। अब कैसे से समझिएगा, आगे चलिएगा, यहाँ आइए, आप इसको डिलीट करिए और ये देखिए नंबर फॉर्मेट को हम लोग लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जाइए अब यहाँ से जाकर के देखिए हम लोग खेलते हैं नंबर फॉर्मेट, ठीक है, और नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद इसमें से देखिए यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर निगेटिव नंबर भी दिया हुआ है मेरे बात को, डेसिमल नंबर भी दिया हुआ है ना, दिया हुआ यहाँ पर इसमें करेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है क्या, यहाँ पर नहीं ना दिया हुआ है, तो ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब नंबर फॉर्मेट करते हैं तो कौन सा नहीं दिया हुआ रहता है, डेसिमल तो दिया हुआ था, थाउजेंड सेपरेट भी दिया हुआ था, निगेटिव नंबर भी दिया हुआ था, मीन्स देखिए थाउजेंड सेपरेट भी यहाँ पर दिया हुआ है मेरे बात को, निगेटिव नंबर भी दिया हुआ है, डेसिमल नंबर भी दिया हुआ, बट यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट है क्या दिया हुआ, तो नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं इसका राइट आंसर करेंसी सिंबल बोला। नेक्स्ट आगे देखिए, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टैब की स्पेशल कैटेगरी का प्रयोग किस फॉर्मेट को लागू करने के लिए किया जा सकता है, मीन्स फॉर्मेट सेल, ठीक है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जब ओपन करते हैं तो नंबर टैब की स्पेशल कैटेगरी का प्रयोग किस फॉर्मेट को लागू करने के लिए करते हैं, तो जीप कोड के लिए, फोन नंबर के लिए, या बोथ ऑफ एवव के लिए, या फिर इसके लिए नॉन ऑफ एवव के लिए, तो राइट आंसर होगा बोथ ऑफ एवव, ठीक है। तो स्पेशल कैटेगरी आप इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, तो फोन नंबर के लिए और जीप कोड के लिए हम लोग स्पेशल कैटेगरी अप्लाई करते हैं, समझ रहे बात को, ये जो स्पेशल कैटेगरी है तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ये जब आप करके देखिएगा अपने सिस्टम पे, फिलहाल में जो मेरा है ना एक्टिवेशन फेल हो गया इसलिए शो नहीं कर रहा है, तो अपने सिस्टम पे करिए, जैसे स्पेशल कैटेगरी पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर जीप कोड दिखाई देते रहेगा और साथ में फ़ोन नंबर के लिए यहाँ पर दिखाई देते रहता है स्पेशल में, तो ये दो हम लोग करते हैं यहाँ पर डायलॉग बॉक्स के अंदर शो करते रहता है, जीप कोड और फ़ोन नंबर। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मर्ज सेल कैसे लागू किया जाता है, मर्ज सेल कैसे लागू होता है, तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब के द्वारा या फॉर्मेटिंग टूल बार बोथ ऑफ एवव के द्वारा नॉन ऑफ एवव के द्वारा, तो राइट आंसर होगा उसका फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब में जाकर के आप मर्ज सेल कर सकते हैं, ठीक है।
मर्ज सेल का मतलब होता है कि ये दो सेल है। अब इसको सेल करने मर्ज करने के लिए आप इस पे जाइए, अब मर्ज सेल पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए मर्ज हो गया क्या, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ मर्ज सेल है ना, अलाइनमेंट है ना, इसमें भी कर सकते हैं आप। यहाँ से सीधे अलाइनमेंट में जा करके नेक्स्ट आगे बढ़िए। आप निम्न में से किस फॉर्मेट में ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के से अप्लाई करने या नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं। मीन्स अगर आप अपने एक्सेल शीट के अंदर किस फॉर्मेट में ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को अप्लाई करने या नहीं करने के लिए कर सकते हैं, तो नंबर फॉर्मेट के द्वारा, बॉर्डर फॉर्मेट के द्वारा, फॉन्ट फॉर्मेट के द्वारा, ऑटो एवब, ऑल ऑफ एवब के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ एवब के द्वारा। अपने किस फॉर्मेट में ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स से अप्लाई करने या नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। आप सेल में बॉर्डर को कैसे हटा सकते हैं। सेल में बॉर्डर हटाने के लिए बहुत तरीका है, जैसे कि चूज नन ऑफ एवब, ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, देन चूज द फर्स्ट टूल, या बोथ ऑफ एवब या नन ऑफ एवब। तो राइट आंसर होगा बोथ ऑफ एवब। मीन्स आप यहाँ से जाकर के बॉर्डर टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बॉर्डर ले लिया यहाँ से, समझिएगा यहाँ से बॉर्डर ले लिया। बॉर्डर लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों कह रहा है कैसे, तो चूज नन ऑफ बॉर्डर टैब इन फॉर्मेट सेल। मैं जैसे सेलेक्शन किया, ठीक है, सेलेक्शन करने के बाद आप फॉर्मेट सेल पर चलिए, और यहाँ देखिए बॉर्डर में जा करके आप नन पर भी क्लिक करके ओके कर सकते हैं। एक तो तरीका हो गया। दूसरा तरीका बोल रहा है कि लिस्ट बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, देन चूज द फर्स्ट नो बॉर्डर, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। इसे सेलेक्शन कर सकते हैं, सेलेक्शन करके आप यहाँ से भी बॉर्डर को नो बॉर्डर कर सकते हैं, यहाँ से भी नो बॉर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीका कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। ये आप एक्सेल में सेल रेंज के लिए शेडिंग कहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है, शेडिंग कहाँ सेट कर सकते हैं। चूज द रिक्वायर्ड कलर फ्रॉम पैटर्न टैब फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, चूज द रिक्वायर्ड कलर इन फील बॉक्स, चूज रिक्वायर्ड कलर फील टूल ड्राइंग टूल बार। तो ये सारा इसका राइट आंसर होगा। कहीं से आप सेल में कलर, शेडिंग कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है, शेडिंग कलर आप सभी जगह से चूज कर सकते हैं, जहाँ ऑल ऑफ एवब इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मीन्स आप कलर जो चूज करेंगे आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, ये फील ये हो गया, या फिर आप मोर से यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप इधर से भी कंट्रोल यहाँ से, या पॉइंट पर भी क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए फील कलर यहाँ से, देखिए पैटर्न कलर है ना, पैटर्न कलर यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए पैटर्न स्टाइल यहाँ पर, इसको भी यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीका है, आप कोई से भी कर सकते हैं, जो कि आपका राइट आंसर तीनों होगा। आप एक्सेल में सेल बॉर्डर सेट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर बॉर्डर सेट कहाँ से कर सकते हैं, तो फ्रॉम बॉर्डर टैब इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, फ्रॉम बॉर्डर टूल फॉर्मेटिंग टूल बार, फ्रॉम लाइन स्टाइल टूल इन ड्राइंग टूल बार, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर। तो देखिए राइट आंसर इसका होगा यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल से। मीन्स एक्सेल के अंदर आप पेज बॉर्डर सेट नहीं कर सकते हैं, इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है, आपका डी नंबर का। नेक्स्ट बोल रहा है कि जब एक सीमा में 0 से लेकर के 100 के बीच कोई संख्या को लाल रंग से ही प्रदर्शित करना है तो क्या लागू करेंगे। तो आपका फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर, पढ़िएगा, यूज इक्वल टू ए फंक्शन टू फॉर्मेट द रिक्वायर्ड नंबर रेड, नहीं ए राइट आंसर नहीं होगा। अप्लाई कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड टू फॉर्मेट मीनू, सेलेक्ट द सेल दैट कंटेंट नंबर बिटवीन 0 to 100, राइट रेड कलर ऑन टेक्स्ट कलर, या ऑल ऑफ एवब। तो राइट आंसर इसका होगा अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड फ्रॉम फॉर्मेट मीनू। आप यहां से ही कर सकते हैं, कैसे समझिएगा, जैसे कि कुछ मैं नंबर लिख रखा हूं, ठीक है, यहां पर देखिए कुछ नंबर में लिख रखा हूं, अब इसमें मैं रेड कलर करना चाहता हूं, तो आप यहीं से कर सकते हैं। सो सेलेक्शन करिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसलिए नहीं शो कर रहा होगा, कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है, सिलेक्शन किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग शो नहीं कर रहा है, आपको देखिए नया सीट पे ले चलिए, चलता हूँ तब पता चलेगा, देखिए नया सीट पे लेकर चलता हूँ और यहाँ कुछ नंबर लिख देता हूँ तब पता चलेगा आपको। अब देखता हूँ यहाँ पर, इसको सिलेक्शन में किया,
यहाँ पर मैं गया, ठीक है, हाईलाइट सेल रूल है। अब ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग करना है कि यहाँ से बिटवीन करना, तो जैसे मैं बिटवीन कर लिया, ठीक है, और बिटवीन मैच जैसे 100 से लेकर के 100 था ना क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या था 0 से लेकर के 100, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि 1 से लेकर के 5 के बीच में या फिर 4 के बीच में जो है उसको मैं चाहता हूँ कि रेड टेक्स्ट कर ले, क्या कर ले, रेड टेक्स्ट, जो कि यहाँ कहाँ कर रहा था रेड कलर के द्वारा, तो मैं रेड कर लिया, ठीक है, यहाँ से रेड कर लिया और ओके करूँगा। तो देखिए तो 0 से लेकर 4 के बीच में जो रेड कलर शो करने लगा, क्या देखिए तो यहाँ पर देखिए रेड कलर शो करने लगा यहाँ पर, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, राइट आंसर उसका बी होगा। नेक्स्ट, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लागू करते समय शर्त के जांच कर सकते हैं, सेल वैल्यू, फॉर्मेट, एवब फार्मूला या फिर नन ऑफ एवब, तो यह इसका होगा बोथ ऑफ एवब। इस फार्मूला पे भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और सेल पर भी कर सकते हैं। क्या आप कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हैं, मीन्स कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कैसे कर सकते हैं, डबल क्लिक द कॉलम नेम कॉलम हेडर या फिर डबल क्लिक द सेल पॉइंटर वर्कशीट, डबल क्लिक द कॉलम राइट क्लिक, तो राइट आंसर इसका यही होगा सी नंबर का। कैसे, तो जैसे कि आप जितना नंबर है उतना ही सेल को रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर राइट साइड ये कॉलम का राइट साइड में डबल क्लिक करिए, देखो उतना ही सेल सेट हो गया क्या, उसका कॉलम का वाइड उतना ही ले लिया क्या। नेक्स्ट है, बोला जा रहा है कि लंबे टेक्स्ट को एक सेल के भीतर कई लाइन में तोड़ा जा सकता है किस माध्यम से, तो रैप टेक्स्ट इन फॉर्मेट सेल, जस्टिफाइड इट, टेक्स्ट रैप फॉर्मेट या ऑल ऑफ अबव, तो राइट आंसर इसका ए नंबर होगा, रैप टेक्स्ट के द्वारा, ठीक है। कैसे सो समझ लीजिए थोड़ा, जैसे मैं कुछ मैसेज लिख दिया यहाँ पर, छोटा कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ राम कुमार, और मैं चाहता हूँ एक ही सेल में ये डिवाइड हो जाए, कुछ नहीं करना है, आप इस पॉइंट पर क्लिक करिए, रैप टेक्स्ट पर क्लिक करिए यहाँ से और ओके कर दीजिए। देखिए डबल लाइन में रैप हो गया क्या, नहीं तो आप एक तरीका और था, एक तरीका और यहाँ ये था कि आप यहीं से जाकर के रैप टेक्स्ट सीधे कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, इमें सेक्सेल फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स में चरण के लिए डिफॉल्ट मान प्रदर्शित होता है, मीन्स फिल सीरीज में जब जाते हैं तो डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट कौन सा मान प्रदर्शित होता है, 0, 1, 5, 10 क्या, तो देखिए आप इस पर क्लिक करके जैसे फिल ऑप्शन में जाइए यहाँ पर और यहाँ से जाके सीरीज में जाइए, तो क्या मान यहाँ पर दिखा रहा है वैल्यू में, तो 1 डिफॉल्ट दिखा रहा है, तो वही इसका राइट आंसर 1 होगा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक्सेल में कंट्रोल डी शॉर्टकट की क्या करता है, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, अप्लाई डबल अंडरलाइन, फील डाउन द सिलेक्शन, राइट आंसर होगा इसका फील डाउन इन द सिलेक्शन। कैसे समझिएगा, जैसे मैं इसको सिलेक्शन यहाँ तक कर दिया और वही नंबर को नीचे की ओर डाउन की ओर जो सिलेक्शन किया हूँ वो डाउन की ओर डबल करना चाहता था, कंट्रोल डी करूँगा, देखिए डाउन की ओर आ गया। एक चीज़ और जान लीजिए यहीं पर कि अगर इसको सिलेक्शन इधर की ओर किया और राइट की ओर करना है तो कंट्रोल आर करना पड़ता है, क्या, कंट्रोल आर, देखिए राइट साइड आ जाएगा, समझ रहे नहीं बात को, इस तरह से इधर करना चाहते तो कंट्रोल एल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कंट्रोल एल कर लेंगे, समझिएगा ध्यान से, इधर से। नेक्स्ट आगे देखिए क्या कहता है, शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ आर का उपयोग कैसे करेंगे, तो देखिए अभी बताएं कंट्रोल आर का क्या उपयोग क्या करता है, तो देखिए कंट्रोल आर का क्या उपयोग यहाँ पर देखिए लिखा है, फिल द सिलेक्शन विथ एक्टिव सेल राइट, ठीक है, मींस आप जैसे आप अभी बताएं ना मैं कि आप चाहते हैं 7 इधर राइट साइड करके आ जाए, डबल करके हुए आ जाए, तो आप कंट्रोल आर करिएगा, देखिए आ गया क्या इधर से, तो ही कंट्रोल आर का काम होता है, फिल द सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन क्या करता है, फिल करता है एक्टिव सेल राइट, मीन्स राइट साइड जो आप सिलेक्शन कर रखे हैं और जो सेल एक्टिव है उसके अकॉर्डिंग डेटा फिल करते चलता है। नेक्स्ट आगे चलिए, कमांड एडिटिंग अक्रॉस वर्कशीट केवल सक्रिय है, कब सक्रिय होता है, फिल अक्रॉस वर्कशीट, 1 सीट इन सिलेक्शन, एक सीट को सिलेक्शन करने पर, मेनी वेन मेनी सीट आर सिलेक्शन, When no seat in selection selected none of heaven, देखिए लिखा जा रहा है when जब आप many seat को select करके रखेंगे ना तभी होगा, इसका right answer होगा A, many when many seat are selected, ये right answer इसका होगा। जैसे कैसे से बोला जा रहा है इसे समझिएगा, जैसे देखिए मैं एक सीट नया लेता हूँ वर्कबुक, ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे राम श्याम कुछ भी मैं टाइप कर लिया फिलहाल,
और मैं एक और सीट लिया और एक और सीट लिया। तो देखिए इस सीट टू में कुछ भी डेटा नहीं है, सीट थ्री में भी डेटा नहीं है, सीट वन में डेटा है। मैं चाहता हूँ यही सीट सभी जगह ही जो डेटा है ना वो सभी सीट पे अप्लाई हो जाए। तो सिलेक्शन करके कंट्रोल सी कर लीजिए आप, और कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल के साथ इस पर भी सिलेक्शन करिए, इस पर भी सिलेक्शन करिए, मीन्स तीनों पर आप सिलेक्शन करिए कंट्रोल के साथ। मैं बोला जा रहा था यहाँ पर ना, यहाँ पर वेन मेनी सीट आर सेलेक्टेड, माने एक से ज़्यादा सीट सेलेक्ट रहेगा, ठीक है, तब ये काम होता है। तो मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पर कॉपी कर लिया पहला, इस कंट्रोल के साथ सब पर क्लिक करके होम में गया, और यहाँ पर जाकर के देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन होगा फिल में अक्रॉस वर्कशीट, है ना, वही ना बोला जा रहा है यहाँ पर एडिटिंग के अंदर फिल अक्रॉस वर्कशीट, तो ही है ना। यहाँ पर सेलेक्शन करना है, कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल के साथ सब पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद फिल में जा करके कहाँ पर जाना है और ऑल पे क्लिक करके ओके करिए। अब फ़ायदा क्या हुआ समझिएगा, फ़ायदा यही हुआ कि आप कोई भी सीट पे जाइएगा, देखिए सब जगह हो गया क्या यही डेटा, ए वाला डेटा देखिए सीट थ्री पर, ए पर, इधर ये वन पर भी आ गया। तो इसका राइट आंसर देख लिए कि इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सीरीज फील्ड सीरीज डायलॉग बॉक्स के लिए मान्य है, मीन्स फील्ड डायलॉग बॉक्स के अंदर कौन सा मान्य नहीं है, यहाँ पर बोला जा रहा है मान्य नहीं है। तो टाइम जो है सब मान्य नहीं होगा, कैसे समझिएगा, फील्ड में जा करके आप यहाँ पर से ऑप्शन सीरीज में चूज करिए, क्या है लीनियर है, ग्रो है, डेट है, बट टाइम है क्या, नहीं है। तो ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि लीनियर है, ग्रो है, ऑटो फिल है, बट टाइम नहीं है, तो राइट आंसर टाइम होगा। नेक्स्ट, पेस्ट विशेष मीन्स पेस्ट स्पेशल को ही विशेष बोला जाता है हिंदी में, पेस्ट विशेष कमांड का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से कौन सा चुनिंदा पेस्ट कर सकते हैं, वैलिडेशन फार्मूला फॉर्मेट फार्मूला ऑन वॉल ऑफ एबव, तो राइट आंसर ऑल ऑफ एबव होगा, सारा चीज़ आप पेस्ट स्पेशल के द्वारा आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला कि सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं कैसे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रूल में जा करके, फॉर्मेट सेल के फॉन्ट में जा करके, फॉर्मेट सेल के नंबर फॉर्मेट में जा करके, एबव में इसका होगा, तो राइट आंसर इसका फॉर्मेट सेल में फॉन्ट में जाकर के, कैसे समझिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया कुछ मैसेज, लिखा मैं टेंथ है और टी एच को सिलेक्शन करके सुपर स्क्रिप्ट करना चाहता हूँ, तो उसके बाद क्या कहूँगा, इस पर फॉर्मेट सेल पर क्लिक किया और ये ध्यान दीजिएगा फॉर्मेट सेल पर मैं क्लिक किया और ये फॉन्ट आया क्या, आप इसी में जा करके आप यहाँ से देखिए सुपर स्क्रिप्ट चूज करके ओके करिएगा, तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई हो गया क्या। नेक्स्ट आगे चलिएगा, बोला जा रहा है कि एम एस एक्सेल में टेबल अप्लाई करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल अल्ट टी, शिफ्ट टी, एवब या फिर कंट्रोल टी, तो राइट आंसर कंट्रोल टी होगा, जो कि आप देख सकते हैं यूज कर भी किए होंगे कि जैसे इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल टी मैं करूँगा और ओके करूँगा, देखिए टेबल अप्लाई हो गया। नेक्स्ट आगे ये देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाटर मार्क्स लिया जा सकता है, यस या नो, मीन्स एम एस एक्सेल में वाटर मार्क्स लिया जा सकता है कि नहीं, तो नहीं लिया जाता है एक्सेल में। तो उम्मीद करता है कि जो मैं प्रैक्टिकली डिस्कस के साथ है प्रैक्टिस सेट में आपको बताया एम एस एक्सेल का, उस समझ में आ गया। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।